पल भर में चेहरे पर हंसी और दूसरे ही पल आंखों में नमी दे जाने वाले वक्त का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। वक्त ही इंसान को या तो फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है या फिर करोड़पति इंसान को भी गरीबी और लाचारी के दिन दिखा देता है। तस्वीरों में दिख रहा ये बुजुर्ग उसी वक्त का गवाह बना है जिसने कभी ऐशो आराम की जिंदगी दी। पैसा रुतबा सब दिया लेकिन जीना भी ऐसा कि दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। आंखों में हताशा और बेबसी के साथ ये बुजुर्ग किराए के मकान में रहकर टेम्पो चलाकर अपने अपाहिज बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से पेट पाल रहा है। ये दास्ता है आईसीसी रैंकिंग T20 में विश्व के नंबर दो खिलाड़ी बने भारतीय टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के दादा संतोष सिंह बुमराह के। कभी करोड़ों में खेल चुके जसप्रीत के दादा उत्तराखंड के किच्छा में वो फ्रिसी की जिंदगी जी रहे हैं। आलम ये है उनके पास आज ठीक से दो वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है। संतोष सिंह इन दिनों उधम सिंह नगर जिले के छोटी से कस्बे किच्छा में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। संतोष की आंखें सिर्फ जसप्रीत का इंतजार करती रहती हैं। कभी गुजरात के अहमदाबाद में बचपा इंडस्ट्रियल इस्टेट में संतोष सिंह बुमराह का जलवा हुआ करता था। वो लग्जरी कारों और प्लेन में सफर किया करते थे। अहमदाबाद में उनकी तीन फैक्ट्रियां थी, जेके इंडस्ट्रीज, जेके मशीनरी, इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेके इक्विपमेंट। इसके अलावा दो सिस्टर कंसर्न गुरु नानक इंजीनियरिंग वर्क्स और अजीत फैब्रिकेटर भी थी। सारा कारोबार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के पिता जसवीर सिंह बुमराह संभालते थे, लेकिन साल 2001 में बेटे की मौत से संतोष सिंह बुमराह पूरी तरह से टूट गए और उनकी फैक्ट्रियां भी आर्थिक संकट से घिर गईं। बैंकों का कर्ज निपटाने के लिए उन्हें तीन फैक्ट्रियों को बेचना पड़ा। 84 साल के बुजुर्ग संतोष सिंह बुमराह को अपनी मुफलिसी की जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, वो इसे सब कुदरत की देन मानते हैं। हालांकि अपने बेटे जसवीर सिंह के बेटे जसप्रीत को भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाजी करते टीवी स्क्रीन पर देखकर उन्हें अपने खून पर फक्र हो रहा है। संतोष सिंह का कहना है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में पोते को गले लगाकर प्यार करना चाहते हैं, उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं। बताया जाता है कि पिता की मौत के बाद जसप्रीत बुमराह और उनकी माँ किन्हीं पारिवारिक कारणों से अलग हो गए थे और फिर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। बहरहाल जिस मुकाम पर आज जसप्रीत हैं, उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो सब के लिए शिकवे मिटाकर अपनी दादा की सुध जरूर लेंगे। टीम इंडलिंग्स।